शुरू करा देते हैं। राहुल गांधी को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो आज सुबह ही राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हुए थे। आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को ये जमानत मिली है, तो राहुल गांधी के लिए राहत की खबर है। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है, ये बड़ी खबर। भाजपा की कर्नाटक यूनिट ने राहुल गांधी पर केस किया। तो आज सुबह ही राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली से कर्नाटक पहुंचे थे और अब मामले में मानहानि के मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी को मामले में राहत मिली है और जमानत स्पेशल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा की जो कर्नाटक यूनिट थी, उन्होंने राहुल गांधी पर केस किया था और इसी मामले में आज राहुल गांधी दिल्ली से कर्नाटक के लिए रवाना हुए थे कोर्ट में पेश होने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत, कर्नाटक जो भाजपा की यूनिट थी उन्होंने राहुल गांधी पर केस किया था और उस मामले में स्पेशल कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है, ये बड़ी और राहत भरी खबर है राहुल गांधी के लिए। जी, जिस तरीके से कर्नाटक में 2018 में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के एक टिप्पणी की थी, उससे विजय मिश्रा सुल्तानपुर के भाजपा के नेता है वो आहत हुए और उन्होंने मानहानि का केस राहुल गांधी पर दर्ज कराया था, जिसको लेकर के 2 फरवरी से राहुल गांधी जमानत पे चल रहे थे। आज उनकी पेशी थी जिसमें उनके वकील द्वारा कोर्ट में याचिका दी गई कि राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सकते हैं, जिसे जज द्वारा माना गया और राहुल गांधी 18 जून तक जमानत दे दी गई है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, साथ ही साथ सीएम बसवराज बोम्मई पर भी कमीशन खोरी का आरोप लगाया था और उसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और उसी मामले पर आज जो है राहुल गांधी को राहत मिली है। तो ये बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए इससे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी को कोर्ट में पेश हुए थे उसके बाद जमानत पर थे, अब ये बड़ी खबर कि जमानत मिल चुकी है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के तमाम नेता उन्होंने कहा था कि जो ये केस था बिल्कुल फर्जी केस था और भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर ये फर्जी केस किया था जिसमें कोई निराधार बिल्कुल ये केस था। और अब राहुल गांधी को चूंकि राहत मिल चुकी है तो इसके बाद राहुल गांधी अब भाजपा पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव का माहौल चलता है, चुनाव के समय पर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उसी में कुछ चीजें ऐसी चली जाती हैं जिसको कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उसका यूज करती है कि ये हमारे साथ में बदतमीजी की हुई यानी मानहानि हुई, उसको लेकर के ये केस हुआ था जो कि जमानत मिली है इनको। अभी देखना होगा 18 जून को जो बुलाया गया है तो क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और ये राहत की खबर राहुल गांधी के लिए है। आपको बता दें कि आज सुबह ही राहुल गांधी दिल्ली से कर्नाटक गए थे, स्पेशल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है और ये पूरा मामला राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीएम बसवराज बोम्मई पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया, फिर भाजपा ने उसके ऊपर भाजपा ने राहुल गांधी के ऊपर केस किया और अब राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और ये राहत की खबर राहुल गांधी।